ये क्या गंभीर योग निद्रा थी। जीव आत्मा की स्थिति बिल्कुल शून्य थी। मेरा ये मन ब्रह्मानंद के महान आनंद का रसा स्वादन कर रहा था कि अचानक किसी गौर शब्द ने ब्रह्मानंद के महान आनंद से मुझे बेचलित कर दिया। कौन घोर कठोर ये तीनों शब्द प्रकाश ये बीन दियो मम हृदय को और छेद दियो आकाश। ये वज्रपात सो गर्जना क्या कौन नम्मे भयो छुद्र पाथे। या समाधि शिव की चूटी बस यही भ्रम लखाते। किदाओ शतायो देव दानव और मुनियन को किदाओ उत्तर में तड़का पहाड़ है किदाओ कौ छत्रिन की भुजा दूरी समर में किदाओ कई खंजन को होत झलकार है। ये तन कंप मन कंप हृदय कंप और गगन कंप के कहीं जगदीश्वर ने लीनो मन जोतार। हे भोलेनाथ क्या कारण है क्या हृदय सशंकित है मेरा। मानस विचार से सुन हुआ घनघोर हुआ क्या रब न मैं क्या उन्हीं पर उत्पात हुआ। किस कारण ये अपनी करती है बारिद में क्यों उफान हुआ। एहो रमेश मम त्रह माम मम ध्यान समाधि क्यों भंग हुआ। या तैयार हुए हैं युद्ध हेत या फिर नयन तीसरा खोला है। हे नाथ कृपा कर बतला दो ये आज हृदय क्यों ढोला है। मुझे पुनः समाधिस्थ होकर के देखना चाहिए। नमः शिवाय रब गूंज गयो नम मंडल में घनघोर रसातल फूट गयो। मनो शीश के शीश में धक्का लगो मन बेसा से ईश्वर रूठ गयो। बनके सब सिंह धार उठे मनो जगती तल को सुख छूट गयो। अब जान पड़ी मिथिलापुर में शिव चाप तला तले टूट गयो। लेकिन नहीं चलूंगा। ये 51 रुपए की राशि एक छोटा सवाल भक्त है उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग पर भगवान उसकी चरायु रखे। गुरुद्रोही को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे तो है जाकाऊ भीर ने जाते ही जाते धरण पे गिराए हो। मर्द मर्द मर्दन को छर्द छर्द का डारूगा। मिथिला को उलट के समुद्र में बहाए हो। जो कहूं तोड़ो है बड़ा सुर बलवान ले तो जाके पाताल में मृत्यु दर्शाए हो। जो कहूं तोड़ो है रावण बलवान ने तो जाके त्रिकूट चल समुद्र में बहाए हो। भगवान शंकर का धनुष टूटा नवकर में तो आज रेणुका कुमार ने कुठार उठा दिया नेत कर में। बम सुनात मुझे जनकपुर की ओर चल करके देखना चाहिए। इस तरह से परशुराम बाबा बड़े ही क्रोधावेश में चल रहे जनकपुरी के लिए। इधर कुछ उदंड राजा लोग आपस में महाराजा जनक से संग्राम करने को तत्पर है।
श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी आपकी ओर से ये 31 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। ए राजाओ, क्या देखते हो? इस लड़के राजकुमार राम ने धनुष को तोड़ दिया तो क्या सीता को ले जाएगा? अरे नहीं, बांध लो, पकड़ लो इन लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक फैसला धनुष पर था, अब है फैसला तलवारों पर। मर जाओ, कट जाओ तो ही नए स्थानों पर, खून की नदियां बहा दो, ले चलो सिया को पैरों पर। आज यहाँ राजा जनक भी आ जाए ना, उसी बीच में उन्हें भी बंदी बना लो। ते ही अब सर सिन सुर धनु भंगा, आयो भग फूल कमल पतंगा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। गुरुजी पेटल सिंह मम बाप था, होर दंग सिंह मम नाम, परी सभा में करता हूँ गुरुजी को दंड पेना। गुरुजी लड्डू दे दो, गुरुजी पेड़ा दे दो, गुरुजी लड्डू दे दो। मूर्ख अपना नाम उच्चारण कर रहा है, अपने बाप का भी नाम ले रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कहां का रहने वाला है। क्यों? कामरूप कवरक्षा देश का रहने वाला हूँ, मेरा नाम हो दंग प्रसाद राजा हूँ। बड़े तेजहीन से दिखाई दे रहे हो। तेज तो लाठ के कुत्ता चाट गए। नशा करते हो? मौका देखकर ठोक दी। वृथा ही गाल बजाते तुम, वृथा ही गाल बजाते तुम, धरती का भार कहते तुम। ऐ शर्म करो, ऐ राजा, क्यों मां का दूध लजाते हो? इतना विशाल आकार लेकर के पृथ्वी के ऊपर विचर रहे हो? कुछ अच्छे कार्य करो जिससे कि तुम्हारी पहचान हो, दफा हो जाओ। ठीक है गुरुजी, गुरुजी बहुत ही अच्छे, गुरुजी बहुत ही अच्छे। महाराज प्रणाम। कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। सिराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये हाथ जोड़ने पे खड़े ना हो तुम, क्रांति मचा दो भूतल में, अपनी इन प्रबल भुजाओं से अग्नि वृष्टि कर दो तल में। अब बीमार होती है, अब उसको धीर बनाओ तुम। हम आशीर्वाद यह देते हैं कि धर्म की ध्वजा फहराओ तुम, कल्याण हो। ये छाती वाला आपको प्रणाम करता है। यशस्वी भाव। जनक बहोरी आए सिरनावा, कहा है राजा जनक? सिया ही बोलाए प्रणाम करा। प्रतिपाल प्रजा का सदा करो, कभी धर्म विवेक वितान बनो रहे, सुचसाल धरातल पे तेहुलोग कीर्ति पुण्य घनो रहे, सन्मान स्नेह सदा सुखसो, मन धर्म विवेक सुदासो खनो रहे, परमेश्वर प्रेम पयो निज में चिरकाल विदेह विदेह बनो रहे, कल्याण हो तुम्हारा। सखियों हमारी पुत्री को लिवा कर लाओ। हे भगवान परशुराम जी, ये हमारी पुत्री है, आपके लिए प्रणाम कर रही है, इसे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या राजा जनक, तू तो एक निसंतान राजा था, तेरे तो कोई संतान ही नहीं थी, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि एक नन्ही सी बालिका, सुंदर सी कन्या तुम्हारे समीप खड़े होकर के हमारे लिए प्रणाम कर रही है। अरुंधति सी सब संध्या सी उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती, ये कौन रे नपु जनक सुताई, ये कौन, इसका जन्म कहां से है, क्या इसका नाम है? प्रभु
आपको तो ज्ञात होगा हमारे राज्य में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ चुका था। मैंने गुरुदेव से जाकर के कहा तो गुरुदेव ने कहा कि राजन एक सोने का हल बनवाओ और बैलों की जगह पर तुम स्वयं लगो और तुम्हारी रानी लगे, जो बंजर जमीन हो उस पर चलवाओ। मैंने ऐसा ही किया। हम दोनों प्राणी उस हल में जुट गए और हल चलते चलते एक जगह पर अटक गया। जब उस जगह को खुदवाया गया तो उसमें से एक सोने का घट निकला। उस घट को जब खोल करके देखा तो ये पुत्री प्राप्त हुई। बारिश होने लगी, 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा हुआ था वो भी नष्ट हो गया। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव इसका नामकरण संस्कार करें, क्योंकि ये पृथ्वी से हमें प्राप्त हुई है और मेरे ग्रह में कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इनका नामकरण संस्कार करें। तो उन्होंने एक तो इसका नाम सीता रखा, क्यों कि ये हल्की सीक द्वारा इनका जन्म हुआ। दूसरे भूमि से प्राप्त हुई तो इसे भूमजा भी कहते हैं। तीसरे हमारे ग्रह में कोई संतान नहीं थी तो वैदेही भी कहते हैं, जनक नंदिनी भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने नामकरण संस्कार किए और यह पुत्री हमें प्राप्त हुई। धन्य है, धन्य है राजन, हम तुम्हारे भाग्यों की सराहना करते हैं जो कि ऐसी सुंदर बालिका तुमको प्राप्त हुई है। आज हम भी बेटी सीता के लिए परपूर्णता से आशीर्वाद देंगे। बेटी ये सूर्य और चंद्र जलो, छित और आकाश जलो, गंगे और जमुन जलो, तुलसी को बिरबा जलो, कवियन मन ज्ञान बनो रहे, जनक नंदिनी तेरी मांग में सिंदूर अटल बनो। जियो सुरेश जग छाए के सुख सुषमा सुरसात, पत व्रत भात प्रवीण हो अचल रहे अहबात, अचल रहे अहबात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जल धारा सौभाग्यवती हो। सखियो ले जाओ विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई, ये आई पद सरोज मिले गौ भाई, पद सरोज मिले गौ भाई। और सुनाइए महर्षि विश्वामित्र जी, आनंद मंगल तो है? हाँ परशुराम जी, मैं आनंद मंगल से ही हूँ। और जो तुम्हारा सोमा यज्ञ पूर्ण होना था वह तुम्हारा सोमा यज्ञ पूर्ण होगा या नहीं? और यदि नहीं हुआ है तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने कुठार को लेकर के चलेंगे और तुम्हारे सोमा यज्ञ को तो हम पूर्ण करा ही देंगे। राजकुमारो ये परशुराम महाराज है, इनके लिए तुम दोनों प्रणाम करो और सुख भरा आशीर्वाद प्राप्त करो। बड़े ही सुंदर राजकुमार, वाह इतनी सुंदर जोड़ी तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। मार को कौन सुमार करे अब बार बार इस कुमार को सदर, जान परत बलवान कछु धनवान लियो इसको क्यों गोन है, मोह को मोहत है अति ललते दुस्त्रो साम्रो जो जोन है। अरे ऐसी अवनी पर देखे ना सुने कबहू कहो गादी के नंदन ये बालक दो कौन है, किसके पुत्र हैं? सरजू मैया के किनारे अयोध्यापुरी नाम का नगर है, वहां पर चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ रहा करते हैं, उनके ये फर्जंद हैं। इनका नाम जो बड़े हैं सांवले वर्ण के इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के हैं इनका नाम श्री लक्ष्मण कुमार है। इनके ही द्वारा मेरा सोमा यज्ञ सनात हुआ है, आपको प्रणाम करते हैं
आप इन्हें आशीर्वाद दें। बस तुम्हारे काम तो उल्टे सीधे ही रहते हैं। है? फिर हमें असमंजस में डाल दिया तुमने। क्षत्रिय कुमार है ये। हाँ हाँ। और तुम जानते हो कि क्षत्रियों को हमने खोज खोज के मारा है। क्षत्रियों को हमने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। और वही क्षत्रिय कुमार आज हमारे सामने हमारा आशीर्वाद पाने के लिए नतमस्तक है। महर्षि विश्वामित्र जी, तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया। यदि हम इनको आशीर्वाद नहीं देते हैं तो महर्षि विश्वामित्र जी के हृदय में आघात पहुंचेगा। वैसे ये आशीर्वाद के पात्र तो है, क्योंकि इन्होंने ऋषियों की यज्ञ की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, धर्म की ध्वजा को उठाया है, धारण किया है, धर्म रूपी पुल का निर्माण किया है। और जो ये ऋषियों की यज्ञ की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वह आशीर्वाद का पात्र तो होता ही है। और वैसे भी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ हैं, आशीर्वाद प्रदान तो करना ही पड़ेगा। बड़ी तिरछी नजर से देख रहा है। राजकुमारों, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लताम्बर हो, निडर रहो और तेज सदा समर न जीते कोई। जब तक ये पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तब तक दोनों की कीर्ति जगमग करे प्रकाश। कल्याण हो तुम्हारा। बहर बिलो के विदेह सने काऊ का है यति भी, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यो कोप शरीर। रे जनक, कहो क्या कारण है। मैं इस सभा की मध्य में आया था तो ये सभा बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन अचानक हमारे आने के उपरांत ये सब राजा लोग आपस में बातें क्यों करने लग गए हैं। रे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अरे अभी सौरसा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ दो, ये राजाओं का समाज यहां पर क्यों एकत्रित हुआ है, ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने। समाचार कहे जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। हे प्रभु, मेरे पास भगवान भोलेनाथ का जो धनुष रखा हुआ था, विधि पूर्वक मैं उसकी सेवा पूजा किया करता था। एक समय की बात, मैं किसी कारणवश बाहर जाने लगा। जाते जाते मैंने रानी से कहा कि प्रिय, जिस प्रकार मैं धनुष की सेवा पूजा करता हूं, उसी प्रकार से तुम भी धनुष की पूजा करना। और ये कहकर के मैं चल दिया। इधर रानी किसी कार्य में लग गई। पुत्री सीता ने देखा कि अभी तक धनुष की पूजा नहीं हुई, तो हमारी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उस धनुष के नीचे चौका लगा दिया। उसी समय पर मेरा लौटना हुआ, मैंने देखा कि पुत्री सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा रखा है। बस मन में प्रण कर लिया, मैंने घोषणा कर दी कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी चिल्ला को कान के समीप चढ़ाकर इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो ये समस्त राजगण यहां पर जो एकत्रित हुए हैं,
ये हमारे प्रण की घोषणा सुनकर के हुए है। आपके आशीर्वाद से मेरा जो प्रण था वो पूर्ण हुआ और धनुष का खंडन भी हो गया। क्या धनुष का खंडन हो गया? नहीं नहीं नहीं, कहाँ है धनुष? सामने पड़ा हुआ है। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महिरारे, देख चाप खंड महिरारे। ये तो सत्य ही अजगब है, नहीं प्यारे अजगब नहीं। भगवान शंकर की प्रिय धनुष तीनों लोक तो से दीप्यमान हो जाया करते थे। नंदीगढ़ तुझे अपने श्रृंगों पर धारण करके कितने सुशोभित हुआ करते थे। माता पार्वती तुझे अपने अंचल से साफ किया करती थी। ऐसे विशाल विजयी धनुष को आज मैं दो खंडों में विभाजित देख रहा हूं। देख रहे हो प्रिय अजगब? देख रहे हो? जो तुम्हारी सेवा में तट पर रहते थे, आज तुमको दो खंडों में विभाजित देख करके कितने हर्षित हो रहे हैं। बता मुझे तेरे दो खंड की रे कौन ताको, तू बता दे। आज सौ खंड में वाके तन के कदर को आतिर शिवोरे बचने कठोरा कहो जने जनकी धनुष के ही तोड़। जल्दी बदला, धनुमा को किसने तोड़े है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नादान जोड़ा है? तू जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट का डालूंगा जितना तेरा राज पर डालूगा। कैसने तोड़ा है धनुष को? कैसने तोड़ा है? मेरे सामने क्यों नहीं आता? नाथे शंभु धनी भंज निहारा हुई है कोयत दास तुम्हारा, हुई है दास तुम्हारा। भोलेनाथ के आयुत का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। नहीं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। तो भगवान आयसु काह कहिय किन मोही, कहीं मेरे लिए क्या क्या है? सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सन सोरी पुमोरा। नहीं राजकुमार, ये तुम्हारा बोलना उचित नहीं है। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है
सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है दुश्मन। सौ विलगाए विहाई समाजा नत मारे जय सब राजा। ए राजा लोगो तुम सभी ध्यान दे करके सुन लो, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से विलग हो जाए, भाग जाए यहां से, नहीं तो आज एक राजा के बदले में ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनो राम सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी कैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है ये बुआ तू, यहां पर कोई नहीं बोला, सबसे पहले तू ही बोला। हे राम बना है ये बुआ तू, इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी भाई, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी भाई। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरही अपमान। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर कीन गोसाई, कबहु ना सिर कीन गोसाई। महात्मा परशुराम जी की ओर जब मैं दृष्टि डालता हूं तो देखता हूं मस्तक पर तेज लाल नेत्र, हाथ में कुठार एवं कंधे पर धनुष, ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जो एक साधु का भेष होना चाहिए वही भेष हमें नजर आता है, शांत भेष। लेकिन जो इनकी करनी है वो बड़ी कठोर है, कठिन है, शांत भेष करनी कठिन बयान न जाए। स्वरूप इनके स्वरूप का भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भैया प्रभु श्री राम जी ने मीठे शब्दों का अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग किया तो कहते हैं जिसने भी धनुष का खंडन किया वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा वैर है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि समानता किसकी दे रहे हैं, सहस्त्रबाहु अर्जुन की, वो भी धनुष तोड़ने वाले से। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जब हम कार देखते हैं तो देखते क्या है, साहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कहीं न राज मद दीन। सहस्त्रबाहु अर्जुन की कार तो ऐसे कि समाज में उनको कलंकित ठहरा रहा है। अब धनुष तोड़ने वाले की ओर दृष्टि जाती है तो कहे आरती पूर्ण नारी, अरे धनुष तोड़ने वाले की तो आरती की जा रही है, कहे आरती पूर्ण नारी देन छबर वित्त विसारी। यहां तक की नहीं बल्कि ब्रह्मांतिक सुरसिद्ध मुनि साहब प्रभु प्रशंसा दे, ऐसा प्रशंसा की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। और आगे देखा जाए तो बरस सुमन रंग बहुमाला गावे किन्नर गीत रसाला, आप समानता कैसे हो रही है। हे मुनिनाथ स्वामी और सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से ही तोता प्रीत में आता है। थोड़ा मीठा बोलिए ना, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध बढ़ आया है, सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चूट ठहरा है। तो हाँ अच्छे अपराधी हम ही सही, क्या और हमने चैन छोड़ा है, अब करना है जो कुछ करे आप सब धनुष हम ही तोड़ा है। राजा के लड़के है श्रुत वेदों का कथन है। दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं, हाँ यदि वो तीसरा योग्य है जो आकर दोनों को समझाए, चलता है जो गलत रहा है उसे सच्चा मार्ग दिखलाए, फिर तू अपने गुरु से बढ़कर योग्य है या रामचंद्र है भोला। क्यों रे लक्ष्मण तू तीसरा किस कारण से बोला,
बोलने का एक कारण है। जब ये समर चल रहा था तो समर के मध्य में आप उपस्थित नहीं थे। वीरों के सामने, वीरों की सभा में यदि वीरों को चुनौती दे दी जाए तो आप जानते हैं वहां पर बैठा हरेक वीर अपनी वीरता का प्रमाण देता है एवं वीरता का मान रखता है। वही मेरे द्वारा किया गया। इस भारी भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही कर डाली थी तो उस समय अनेकों वीरों की मर्यादा मैंने फल जिसका खंडन किया जनक ने, अर्थात जिनकी खन्ना की, जिन वीरों की खन्ना की, जिसका खंडन किया जनक ने तो मैंने उनका मंडन का डाला। अरे मोन निरपत्ते विधे तब तो मैंने उत्तर डाला। हे महामुनि माननीय, जिसका मेरे द्वारा मंडन, जब तक जीवित रहूं धरा पर तो होने ना दूंगा कभी खंडन। दे रहे चुनौती हमें आप तो पीड़ित भाव फैसे डोला, मर्दन करना कभी आप सवा मत। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण मुंह को नहीं संभाल रहा, अरे मुझसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित तोरण पर है, अरे इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी धर्मी के अंसर है। हाँ, क्योंकि हम तो छत्री बालक हैं और हमारा तो नित्य प्रति का कर्म है अस्त्र शस्त्रों से खेलना। अमुनियत हमें क्या छोटा और क्या बड़ा, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को तो इस तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रीमान तपस्वी और ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। अरे तो गहना है हम राजपूतों का चंदू, जो पहना जाता है लड़ में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। अरे क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है, क्या मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रजवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, बिन कारण यति निर्मोही हूँ, मेरे से लहू कुला दे, देख ले इसको। देख रहा हूँ, मेरे इस लोह कुलाले ने सोरज की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि ने कई बार छत्राणी लाड बना दी है, विख्यात सहस्त्रा बाहु की जो भुजा छाटने वाला है। अरे इस फरसे को तू भी देख ले, तेरा ये खून चाटने वाला है। मुनिनाथ बस इसी एक फरसे से उन सूरों का स्वर्ग द्वार खुला जैसे हल्दी की एक गांठ पर ही पसट्टे का बाजार खुला। लेकिन अब तो बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कुंठित है, फरसे में नहीं प्रबलता जो कि पूरी बारी में बल। अब क्यों पूरा फरसा दिखलाकर, देखो आप तो बुढ़े हो ही गए हैं और आपका फरसा भी बुढ़ा हो गया है, अब दोनों बुढ़े मिलकर हमारा क्या बिगाड़ेंगे, इसलिए क्यों पूरा फरसा दिखलाकर हम छत्री कुमार को डराए हैं। बलहार आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे, लेकिन हम उस माई के लाल नहीं जो कि हउए से डर पा जाए। हउआ तो जानते ही है, किसान अपने खेत में एक पुतला बना देते हैं ताकि जानवर आए देख के डर जाए, फसल को नष्ट ना करें। उसी तरह से देखने में आप भी लग रहे हैं हउआ, जो एक हउए से डर पा जाए। हम तो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। यहाँ कुमार बतिया क्यों नहीं जे तर्जनी देख मुरझाई। अरे दुदमुहे दुदमुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुला देगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखा देगा फरसा। तू बच्चा है छोटा सा, छोटा सा तो बच्चा ही रहे क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है। मुनिनाथ एक बार बताओ, जब लड़के लड़कपन नहीं करेंगे या बच्चे बचपन नहीं करेंगे तो फिर क्या आप जैसे बुढ़े करेंगे है? बताओ
मुनिनाथ हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, लेकिन आपको नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, तरह फर्श की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल आ जाए। उबाल मुंह को संभाल, देखा देख रहे हो तुम सभी, छोटा है बहुत, बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने की लोटी में बिसे है जो दूध मिलाकर घोटा, शंकर का करके दंड खंड करता घमंडी अपने वल, रहनियों की गोदी में पलता रहा मुंह देखा नहीं रड़स्ता। अरे नादान बच्चे, तू अपनी माताओं की गोदियों में खेलता रहा, प्रेम अभी तूने रणभूमि का मुख नहीं देखा है, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उन्हें देख लिया है, रणभूमि भी देख ली है, ऐसा नहीं है मुनिनाथ। जो बने इमाद बरसों में कुछ घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में ये उम्र गुजर जाती पर खंडन में देर न लगती है, इसलिए गर्व से कहते हैं, इसलिए गर्व से कहते हैं हम मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। जैसे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, जिनसे वो ईंक चबाता है वो छोटी छोटी है। आज रणबांसों के पाले जब लड़के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती हम उससे लक्ष्मण ताल ठोक के क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है। अवधपुरी के रघुवंशियों को क्यों काल का घास बनाता है, सत्य समझ रहे अरे लक्ष्मण, अंतिम समय तेरा आता है। अरे मरणहार चींटी के पंख बस यूं ही आप जम जाता है। सुनिए महाराज, सुनिए महाराज की रघुवंशियों की बातों को सुनिए महाराज किनी रघुवंश। उसमें रहने की जरूरत है, किनी समझता नहीं किसके सामने खड़ा तू रघुवंश। कौन रघुवंश, कहां के रघुवंश, कैसा रघुवंश, जानता हूं तुझे, जानता हूं तेरे बाप को, जानता हूं तेरे पुरखे को भी जानता हूं मैं। किस रघुवंश की बात करता है तू, बाप के बेटा को नहीं जानते लेकिन रहनी। मणिनाथ सुनिए महाराज की रघुवंशियों की बातों को, चलोगे अवध तो आपका हृदय कांप जाएगा, डर जाओगे, आपका हृदय कांप जाएगा। एक बार चलकर दिखाओ अपनी वीरता को, जो अहमान है सब दूर में मिल जाएगा। अरे हम तो बालक हैं महाराज, अवधपुर के तो सूर्य के समान तेज आपका घट जाएगा। सत्तुघ्न का नाम सुना नहीं क्या कानों से, जब जाओगे उसके सामने तो ब्रह्मांडी फट जाएगा। अरे मूर्ख, अरे सुन, मैं अवध भी गया था, एक बार गया मैं अवध को, उजाड़ बेकु दौड़ दौड़ जाने महल के फाटक लगाए, मार मार भीरण को धरणी पे डाटर, बहुतेरे मैंने समर की सेज पे सुलाए हैं। अरे जिस रघुवंश में तू पैदा हुआ लक्ष्मण, तेरे पुरखे हमारे सामने साड़ी पहन कर आए हैं, बात करता है। देखिए ऐसा है मुनिनाथ, आपके समक्ष में हमारे प्रभु, हमारे भैया प्रभु श्री राम ने मीठे शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप समझ रहे होंगे कि भैया सीधे ही हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखने में सीधे छबीले रंगीले राम, लेकिन शत्रु दलन के कठिन काट कटीले हैं भरत और शत्रुघ्न की गिनती गिनावे कौन, अरुण संगार में निपट हटीले हैं राम रंग के रंगीले, और लखन हट के हटीले, दशरथ के छोना तो चारों चहलीले हैं। आदरणीय संतोष महाराज जी, मियां पुरा निवासी, ये 51 रुपए की राशि चलते हुए सुंदर प्रसंग पर देख रहे हो राम, देख रहे हो अपने भाई को। मुनिनाथ आप क्रोध ना करें, यदि यदि आपको भूख सता रही तो उसका प्रबंध, हमारी क्रोध की अग्नि में तुम समाहित हो जाओगे। अच्छा, क्योंकि अनेक बोलने का प्रयास मत करो लक्ष्मण, क्योंकि ऐसा है, हमने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे,
इनको निमंत्रण दे दिया जाए तो तीन दिन से भूखे रहेंगे आप। हाँ पक्का है बिल्कुल। ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। आज तक इन्होंने कोई नगर ग्राम घर ना बचायो है। अब जजमान घर ने हो तो भाई तो आए हुसन प्रकाशन से तुरंत आसन जमायो है। हाँ जजमान अजी हलवा लाओ, पूरी लाओ, रसगुल्ला लाओ, कचौड़ी लाओ, लाओ लाओ करके सब रसोई को करो सफायो है। कहते बलराम अजी सुनो जी परशुराम, ब्राह्मण की जात सदा भोजन भट्ट ही कहा है। अरे मूर्ख, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरो कर्म कहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरो कर्म कहा है। अरे मांगी ना भीख, लई ना दक्षिणा, बाची ना कबहु वेद कथा है। काटे शीश कुलालन से ये मेरे हाथ वही फरसा है। ब्राह्मण मारे को दोष महा, पर बालक मारे को दोष कहा है। इसलिए राम कितने संदर्भ छड़ रहे हैं मुझसे। कौशिक सुना हो मंद यह बालक, उठिल काल बसी निज कुल खाल। बस बहुत हो गया, देख रहे हो महर्षि विश्वामित्र जी, देख रहे हो इन बालक को। अरे ये कुटिल हृदय वाला बालक वध करने के लायक हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुनी गिने न साधु। क्षमा कीजिए परशुराम जी, ये छोटा सा बालक है। बालक के वचनों पर बड़े विद्वान कभी ध्यान नहीं देते, इनको क्षमा कर देते हैं। बस तुम्हारा ये सील संकोच तो हमें खाए जा रहा है, नहीं तो अब तक हमारे फरसे का ग्रास बन जाता। लेकिन नहीं राम, देख रहे हो तुम अपने छोटे भाई को, देख रहे हो। अरे ये तेरा छोटा भाई काल के बसी भूत हो गया है, समझा ले इसे, नहीं तो ये व्यर्थ में मेरे हाथों से मारा जाएगा। नाथ करहू बालक पर छो, नाथ करहू बालक पर छो, सूधी दूधी मुखी करिए न को, सूधी दूधी मुखी करिए न को। जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत वयान। विचार करें, अगर यह प्रभाव को आपके जानता होता तो भला आपके बराबरी ही क्यों करता। वैसे ही बताया गया जो लड़का पितु मातु मोद मन भरही, गुरु पितु मातु। बालक यदि बचपन में कुछ अनुचित कार्य भी कर देता है तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, उनका हृदय तो प्रसन्नता से भर जाता है। मैं चाहता हूँ करिए कृपा करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। वाह कितना मीठा बोलते हो राम, क्या कहा तुमने, करिए कृपा शिशु सेवक जानी। समझना इनकी बात, करिए कृपा शिशु सेवक जानी,
शिशु, छोटा सा बच्चा, ठीक है, हम तुम्हारी बात को ही बड़ा रखते हैं। छोटा सा बच्चा होता है शिशु, मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है और बच्चा मां के बाल नोच रहा है और मां के मुंह पे लात मार रहा है, लेकिन मां उस बच्चे की बात को बुरा नहीं मानती, उस बच्चे की लात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो शिशु है, करी कृपा शिशु से वो। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर मां के मुंह पर लात मारे, तो दुनिया की कोई मां इस बात को बर्दाश्त कर सकेगी? राम नहीं करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारी चतुराई को, मैं भली प्रकार से समझ रहा हूं राम, तुमने कृपा वाली बात कही, ठीक है, कृपा वाली बात कही, हमने कृपा भी की, लेकिन तुमने कृपा का मतलब नहीं निकाला। कृपा कृपा पर आधारित है, पर कृपा का रूप बदलता है। कृपा करी पर ध्यान ना देकर तू कृपा की निंदा करता है। वीरेश कृपा की निरापत की, जो शिव विचलित करते मुझे नहीं, यह कृपा का फल ही लक्ष्मण है, जो फरसातर लाता इसे नहीं। लेकिन राम, तुम्हारा ये मीठा बोलना हम भली प्रकार से समझ रहे हैं। अच्छा मुनिनाथ, तो फिर हम बोले, क्योंकि अचिन निज गौरव गावत सान भरे, फिर बोला, और अभिमान दिखावत तिलिलिलिली, अब संतोष तो व्याप अपनी ही में, रघुनंदन हो गई पिलिलिली। अब यही से अची, अब यही से होने दो प्रभु श्री राम जी का विवाह, नहीं तो मेरे कुदक से तिलिलिली। सारी सीमाओं को पार कर रहा है। अरे टिलिल टिलिल टिल्ली और पिलिल पिलिल पिल्ली, ये कह के मुस्काता है, लाज नहीं आती तुझको लक्ष्मण रघुवंश को व्यर्थ लजाता। क्या तेरे गुरुकुल में तेरे घुसरू वशिष्ठ ने यही शिक्षा दी कि तू अपने से बड़ों के लिए टिलिल टिलिल टिल्ली करना है? बर्रे बालक एक सुभाव, नहीं न सर्त विदोष का। सुनभु नाथ तुम सहज सुजाना, आप सहज हैं सुजान हैं, लक्ष्मण तो अभी बालक है। सुनभु नाथ तुम सहज सुजान, बालक बचन करिए नहीं काना। लक्ष्मण अभी बालक है, मेरा निवेदन है आप लक्ष्मण के बचनों पर ध्यान ना दे और लक्ष्मण के बचनों पर कान भी ना दे, सुने ही नहीं आप, फिर विचार करें। बरैया और बालक का एक स्वभाव होता है, कभी भी संत जन इनके दोषों पर ध्यान नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कुछ भी अपराध नहीं किया। तेही नहीं नहीं, तेही नहीं कछु काज बिगाड़ा अपराधी, मैं नाथ तुम्हारा कृपाकोप बध बंधब गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। अपराधी तो आपका मैं हूं, उस अपराध के बदले में कृपा कोप बध या बंधन जो कुछ भी देना चाहे आप मुझे दे भगवान, इतना ही नहीं कहिए बेग
कहिए बेगी जे ही बिधिरिस जाई मुनि नायक स्वय करहु पाई कहिए जे ही बिधिरिस जाई जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूं। एक ही ही उपाय है राम, बस मात्र एक ही उपाय। तुम अपने छोटे भाई को हमारी नजरों से दूर कर दो, बस हमारा क्रोध शांत हो जाए। आपको एक उपाय बता रही है, आप यदि हमें देखना नहीं चाहते तो आप अपने दोनों हाथों से दोनों नेत्र बंद कर ले। जा बोलेगा उल्टा ही बोलता है, क्योंकि यदि आंखों से आंखें डरती हो तो तुम आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो पर छाती पर हाथ मले जाओ। तुम तो बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको भी ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का है तो किसी मिस्त्री को बुलवा कर चुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर से व्याख्यान सुना डालो। छेड़छाड़ की व्याख्यान सुना डालो। अरे धिक्कार, धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो नहीं तुझ पर प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाला बना हुआ जो नहीं तेरा श्रृंगार किया। नहीं सवाल बाल बच का, अब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे काटना। देखना और संभलना, देखना और संभलना, कहीं मूर्त बनकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंदिर आपका यहाँ पर बनवाना। पर पूजा की सामग्री तो इस समय ना हम रखते हैं, मुनि पर आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते। लक्ष्मण क्या हार भेंट करेगा? ए वाला मोतियों का। समझ गया मैं, समझदार है। तुम दोनों की चतुराई को भली प्रकार से समझ गया। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और ये मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र? नारायण हरि। देखते हो चालाकी अपने चेलों की है? अरे वहां से मुंडी हिला रहे हो, कुछ बोलोगे? समझाओ ने? ये 51 रुपए की राशि आदरणीय प्रोफेसर भैयालाल साहू प्रधानंद विद्यालय राठ आपकी ओर से, ब्रह्मानंद विद्यालय राठ आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। श्री भैया देवकरण भैया आदित्य हेयर कटिंग सामने जिनकी दुकान है आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि है। जय श्री मुनिनाथ। फूलन की माला और फूलन की मृगछाला, फूलन की माला फूलन की मृगछाला, फूलन को कुठार तेज छंभारी है। फूलन के वस्त्र फूलन के चरण बंद, फूलन के फूल की चनेऊ गले बीच तारी है। मिथिला के सुनिए सब सज्जन वृंद, मुनि नाथ के मुंह से किसी छत आज फलवा रही है, पर यह फूल से झड़ रही है। लक्ष्मण राम लखन जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। राम लखन में जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। ऐसा स्वादन कर दोनों का, मैं दूर में फूल मिलाऊंगा। या कठिन परस की धारा से, या कठिन परस की धारा से मैं उनको काट गिराऊंगा। यदि इतना ना करूं तो सफद गुरु चरण की रेल का कुमार परस राम ना कहा। दशरथ माली सींचे बगिया तो पेड़ हरे भरे होंगे, जाकर देखना बगीचे में सुंदर चार फूल खिले होंगे। जब राम फूल को तोड़ोगे तो खड़े खड़े मुस्काओगे, जब भैर फूल को तोड़ोगे तो पैर फिसल गिर जाओगे, जब सतगुण फूल को तोड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, जब लखन फूल को तोड़ोगे तो ही भस्म हो जाओगे। न
नब दशरथ की अमर बाग में फूले फूल हजारे, नब दशरथ के अमर बाग में फूले फूल हजारे, फूल रहे नीले पीले हुए फूल मतवारे। माता ने निज छीर पिला के बहु प्रकार से पाले, हम उसी फूल को तोलेंगे यहां पड़े जान के लाले। अयोध्या की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना तुम, कटक कटीले कांटों में नहीं कहीं फंस जाना तुम, वरना पड़े पड़े पछताओगे, कुछ बस नहीं चलने पाएगा, ये दूध छटी का भली बात मुनिना याद आ जाएगा। बस राम बहुत हो गया, समझा ले इसे। रिश्ता जी मुनीसा कर उठा रागे यह सीसा, आप क्रोध का परित्याग करें, आपके हाथ में यह कुठार है और आपके आगे यह शीश, जय ही रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी, जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए आप वही करें, मुझे अपना सेवक अपना अनुचर ही जाने। अभी तक मैं इसी बात को सोच रहा था कि मेरे हाथों से कोई निर्दोष न मारा जाए, लेकिन बाकी युद्ध हो गया, वाड़ युद्ध हो राम, रण ही निश्चय करेगा कौन अधिक बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का। मुनि कहो बिचारी रिस अति बड़ लग चूक हमारी, इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप क्रोध कर रहे हैं, जरा तो विचार कर बोले आप। छुबता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तो करम अभिमान, जीर्ण धनुष छूते ही टूट गया मैं अभिमान, करूं तो किस बात पर अभिमान, प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम, रकुल का रक्त चुनौती में रणमध्य खौलने लगता है तो महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी भिड़ना पड़ता है, इसलिए इसलिए न फरसा दिखलाएं इससे हम कभी न डरते हैं, लेकिन हाँ एक शस्त्र दुजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, कहिए कहिए बतला दूं वह क्या है, जिससे अपना नीचे सिर है भृगुवर निहारी नीचे को, इन चरणों की ठोकर है कोमल है पर हम सदा रहते हैं भयभीत, इनमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत, ले त्रिभुवन को जीत। सुन मृदु गुण बचन रघुपत के, उधरे पटले परस धर मत के। ये क्या राम अपने हृदय में अपने बक्षस्थल पर बहुत पुराना चिन्ह दिखा रहे हैं। एक बार मेरे बाबा भृगु भगवान नारायण के पास में गए थे, भगवान नारायण ने मेरे बाबा भृगु का आदर सम्मान नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे प्रिय होता है आदर और सम्मान। मेरे बाबा भृगु को क्रोध आ गया, क्रोध के आवेश में आकर के मेरे बाबा भृगु ने भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर चरण का प्रहार किया, और आज उसी चरण चिन्ह को श्री राम अपने हृदय में दिखा रहे, अर्थात विष्णु का अवतार हो गया। नहीं, राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, खेचो हो चापी मिटे सर दे हो, खेचो हो चापी मिटे सर दे। हे राम, यदि तुम वास्तव में रमा के पति राम हो तो इस धनुष की प्रत्यंचा को अपने कानों के समीप खींच के दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। जय रघुबर
शिवन जीवन भानु धन धनुज कुल गहन कृसानु धन धनुज कुल गहन कृसानु त्रहबाम 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 हे सूरवंश के भूषण सूरकुल को उजागर करने वाले संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले आपकी जय हो जय हो जय हो। अनचित बहत कहु अज्ञाता छमो छमा मंदिर दुभ्राता क्रोध के आवेश में आकर के मैंने आपसे बहुत दुर्वचन कहे प्रभु आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। मुनिनाथ अब आप यहाँ से कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? महेंद्राचल पर्वत के लिए जा रहे हैं। क्यों क्यों? इसलिए अभी अयोध्या से बारात आएगी और आप भी बारात में सम्मिलित होना, फिर प्रभु श्री राम जी का विवाह होगा, पर आप विवाह के लड्डू खा के जाना। लक्ष्मण जी अब तुम मुझे क्षमा करना, चाहे राम जी के विवाह के लड्डू तो तुम ही खाते रहना, हम तो तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जय हो। ये मेरा फरसा है, प्रभु आप इसको धारण करें। कुंभकर्ण के पुत्र हैं कुंभ और निकुंभ, उनका वध इस फरसे के द्वारा ही होगा जो कि आपके समय पर काम आएगा। आप सभी लोग अंतिम आरती के लिए खड़े हो जाइए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जग पावे फल पावे दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किस की, तुम विनी और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,